सिर्फ एक क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एम्प्टी सिलेंड्रिकल ग्लास, और सिलेंड्रिकल ग्लास दिया हुआ है और उसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है। जिसके साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, जिसकी जो साइड है 4 सेंटीमीटर है और इसका जो इनर डायमीटर है वो 6 है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। अज्यूम दैट आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली मेल्ट कर रही है, यानी एक क्यूब रही फ्रॉम ई साइड सो दैट इट ऑलवेज रिटेन इट्स क्यूबिकल शेप, इसकी जो शेप हमेशा एक क्यूबिकल रहती है। रिमेंबरिंग दैट आइस इज लाइटर देन वाटर, कि उससे थोड़ा सा हल्का है, डेंसिटी ऑलमोस्ट, ये मान के चलनी है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। रिमेंबरिंग दैट आइस इज लाइटर देन वाटर, इतना का हम मान लेते हैं दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी कम है आइस की जो है, थोड़ी सी कम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द आइस क्यूब एट द इंस्टेंट इट जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद द बॉटम ऑफ द ग्लास, जब क्यूब जो है जिसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है वो जब बॉटम सरफेस को, ग्लास के बॉटम सरफेस को लीव कर देगा तब उसकी साइड कितनी होगी ये मैं बताना है। तो डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है तो क्या हुआ, जो बाइंड फोर्स है और जो वेट है हल्की है तो फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी तो बी जो है एम जी के बराबर होगा, वॉल्यूम इन साइड, डेंसिटी ऑफ द आइस इंटू जी, डेंसिटी ऑफ वाटर सॉरी वो किसके बराबर, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द आइस इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यदि वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो वी इन साइड किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम में, यानी ये कम्प्लीटली सबमर्ज होगी लिक्विड के अंदर, जो उससे पानी बनेगा उसके अंदर ये क्या होगा, कम्प्लीटली सबमर्ज होगा, यानी जस्ट लीव करना तो ये इसका जो सरफेस है नीचे ही होगा और इसकी लेंथ जो है डिक्रीज होगी, सेम ऐसा कुछ होगा और पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, फ्लोट करा पूरी, इसके जस्ट सरफेस को टच कर रहा है। हमें ये बताना है कि इसका जो एज की साइड है एक्स वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जस्ट फ्लोट कर रहा यानी इसकी ये वाली हाइट भी कितनी होगी, एक्स के बराबर होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, ये वाली हाइट होगी लिक्विड की। वॉल्यूम निकालना, जो इसका मास डेंसिटी सेम है, मास जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम और इस टोटल का वॉल्यूम प्लस आइस, टोटल वाटर का वॉल्यूम प्लस आइस का वॉल्यूम हो क्या होगा, सेम होगा। पहले वॉल्यूम कितना था, 4 × 4 × 4 इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनली वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, इसका जो रेडियस है 3 है पाई, 3 का स्क्वेयर इंटू एक्स इसके बराबर होगा, या आप ये कह सकते हो पाई 3 माइनस एक्स, इसमें से आइस का वॉल्यूम घटा दो प्लस आइस का वॉल्यूम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो वाटर का वॉल्यूम था प्लस आइस का वॉल्यूम, तो आइस का आइस से वॉल्यूम के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स की वैल्यू जो है 64/π/9, इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64/9 × π, वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये वैल्यू आती है 2.26, अगर आप चेक कर लेना 2.26, स्थाई पॉइंट कुछ बना, स्थाई भी नहीं 56 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसका जो आंसर है सेंटीमीटर ये होगा।